नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है उन पेशेंट्स के बारे में जो अभी किसी ऑपरेशन की वेट कर रहे हैं और हम बात करेंगे इसमें मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स के। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आज के ऑपरेशन थिएटर्स कैसे हैं, जब आप ओटी में फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत स्केरी होते हैं, बहुत डर लगता है वहाँ, लेकिन इस वीडियो में हम ये डर निकालने की कोशिश करेंगे और वी होप के बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप ओटी से कुछ अपने आप को फेमिलियर फील करेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले प्री ऑपरेटिव एरिया होता है जहां पर पेशेंट को लजाया जाता है। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले का एरिया। हो सकता है कि आपको अपने रूम से ही ड्रेस चेंज करवाकर वहां लेके जाया जाए और कुछ पेशेंट्स को वहां जाकर चेंज करवाया जाता है ताकि आप हॉस्पिटल की ड्रेस में चेंज कर लें। इससे इन्फेक्शन की प्रिवेंशन होती है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद मिलती है। इसके बाद जैसे ही आपकी ओटी की टर्न आएगी उसके बाद आपको ओटी में कॉल किया जाएगा। इस रूम में आपको ड्रिप लगाई जा सकती है उन पेशेंट्स को जिन्हें हमें बेहोश करना होता है। कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, आपके पेट में एसिडिटी कम हो और ऑपरेशन की रिकवरी अच्छी हो। जब आपकी ओटी की टर्न आएगी तो आपको एक नर्स असिस्ट करके ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलाकर लेके जाएंगे। वहां पर आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। आजकल के मॉडलर ऑपरेशन थिएटर्स में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। जो डोर्स हैं ओटी के, आजकल मॉडलर ओटीज में टचलेस है, यानी कि दूर से ही हम उसे इशारे से या पैर के टच से उसे खोल सकते हैं और विदाउट किसी इन्फेक्शन के। इसी तरह ओटी की जो हवा है उसे क्लीन करने के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे रहते हैं जो कि ओटी की छत में होते हैं यूजुअली, जो ओटी की हवा को फिल्टर करते रहते हैं और बार बार उन्हें साइकिल करते हैं। ओटी के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर भी मेंटेन करते हैं ताकि अगर कोई भी इसमें इन्फेक्शन है तो वो ओटी से लगातार बाहर जाती रहे। इसके अलावा जो लाइट्स हैं वो भी आजकल बहुत मॉडर्न है, डिफरेंट डिफरेंट एलईडी की कॉम्बिनेशन में आती है ताकि पेशेंट का कम्फर्ट और डॉक्टर का कम्फर्ट का ध्यान रखा जा सके। जो लैप्रोस्कोपिक ओटीज है उसमें अभी सीलिंग माउंटेड स्क्रीन्स हैं, यानी कि हम स्क्रीन को किसी भी तरफ घुमा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट के कौन से हिस्से की सर्जरी होनी है। और मैनी टाइम्स पेशेंट्स के अराउंड अलग अलग डायरेक्शंस में ओटी के सर्जन और असिस्टेंट्स खड़े रहते हैं और हर एक को अपने विजन अच्छे से नजर आए, इसलिए मल्टीपल मॉनिटर्स भी लगाए जाते हैं ताकि किसी को भी अपने एर्गोनॉमिक पोजिशन से हटके घूमकर विजन ना देखनी पड़े। ओटी के अंदर का एनवायरमेंट बहुत अच्छे से कंट्रोल रखा जाता है, इसके स्क्रीन्स पर लगातार नजर आता रहता है कि कितना टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, कितना टाइम हुआ है ऑपरेशन को शुरू हुए। जो ऑपरेशन की प्लानिंग है उसके लिए भी बहुत सारे मार्कर्स हैं और ड्यूरिंग सर्जरी या बिफोर सर्जरी डॉक्टर्स को अगर कोई सीटी स्कैन या एक्सरे रीड करने हैं उनके लिए भी बोर्ड्स लिए गए हैं। जितने भी गैसेस यहाँ यूज हो रही हैं उनके प्रेशर्स भी कंटिन्यूसली मॉनिटर होते रहते हैं और किसी भी डेफिशिएंसी या चेंजेस को जल्द से अलार्म्स डिस्प्ले करते हैं। पेशेंट्स के सभी वाइटल्स जैसे उनकी पल्स, बीपी, हार्ट की एक्टिविटी, ईसीजी, उनमें कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हमेशा एक मॉनिटर पर एनेस्थेटिस्ट मॉनिटर करते हैं ताकि ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी पैरामीटर्स अपने नॉर्मल रेंज से बाहर ना जाए। कुछ भी नॉर्मल रेंज से बाहर जाता है तो इसमें सेट अलार्म्स होते हैं, इमीडिएटली अलार्म्स बीप करते हैं, लाइट्स फ्लैश करती हैं और सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और असिस्टेंट को पता चल जाता है कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन से कहीं बाहर जा रहा है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में कैमरा यूज होते हैं अब वो बहुत हाई डेफिनेशन है, बहुत क्लैरिटी से दिखाते हैं। इनमें नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं, क्लैरिटी में फुल HD के बाद अभी 4K और 3D में भी ये कैमराज आते हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ICG यानी इंडिगो साइमन ग्रीन इसका यूज किया जाता है जिससे कि टिश्यूज को अलग अलग कलर में देखा जा सकता है और सर्जरी में आपको क्लियरली पता चलता है कि कौन सा टिश्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, किससे बचाना है और किससे आपको रिमूव करना है। जो लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी अब बहुत फाइन है, पेशेंट्स के टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका डायमीटर यानी उनका साइज भी कम होता जा रहा है और जब शुरू शुरू में 10 mm यानी 1 cm के इंस्ट्रूमेंट थे वो बाद में 0.5 cm यानी 5 mm में कन्वर्ट हुए और अब हम बहुत सारी सर्जरीज मिनी लैप्रोस्कोपी से करते हैं, यानी कि जिसमें कट जो है वो जस्ट 3 mm के राउंड ही टच जाता है या उससे भी छोटा। जितना छोटा कट होगा उतने कम पेन होगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी, उतना कम ब्लड लॉस होगा और आप बहुत क्विकली अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर ओटी में दिखाई देता है। लोग बड़े आराम से ये सर्जरीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत आराम से आप हंसी खुशी से ओटी में जा सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी आपको रिकवरी काफी स्मूथ रहती है। ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर्स के ऊपर पेशेंट्स को वापस शिफ्ट किया जाता है एक रूम में जिसे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर या रिकवरी कहा जाता है, जहां पर इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर भी हर बेड पे मॉनिटर्स लगे रहते हैं ताकि अगर जस्ट आफ्टर सर्जरी कोई भी पैरामीटर चेंज होता है तो इमीडिएटली केयर टेकर्स को पता चले। कुछ टाइम यहाँ ऑब्जर्व कर देन अगेन स्ट्रेचर्स पर पेशेंट्स को दोबारा उनके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर वो फर्दर रिकवर करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी उन्हें
उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ज्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में पेशेंट फर्स्ट डे ही घर चले जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में ही सेकंड डे तक उन्हें रुकना पड़ता है। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपका कुछ डर कम हुआ होगा, आप ओटी से फेमिलियराइज हुए होंगे, आपको आइडिया लगा होगा कि ओटी से डरने की इतनी जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ स्कैरी प्लेस, और आप अपनी सर्जरी और कॉन्फिडेंस से करवा पाएंगे। थैंक यू।